नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 8th ट्यूटोरियल। दोस्तों, एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 7th ट्यूटोरियल में हमने पासवर्ड और विंडोज़ के बारे में सारा थ्योरेटिकल पोर्शंस देखा, उन्हें समझा। 8th सेशन में हम सारे प्रैक्टिकल्स को अप्लाई करके देखेंगे। एक्चुअली दोस्तों, विंडोज़ अपने ऑथेंटिकेशन को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करता है। बायोस सेक्शन, जिसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी कहते हैं, वहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन होता है। सेकंड होता है लॉगिन सेशन, जिसमें यूज़र और एडमिन पासवर्ड डाले जाते हैं। और थर्ड होता है सिस्किप पासवर्ड। सिस्किप पासवर्ड को स्टार्टअप पासवर्ड भी कहते हैं। सिस्किप पासवर्ड को स्टार्टअप पासवर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिस्टम के बूट करने के पहले ही आपसे ऑथेंटिकेशन मांगता है, आपसे पासवर्ड मांगता है। तो सबसे पावरफुल ऑथेंटिकेशन माना जाता है विंडोज़ में। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सिस्किप पासवर्ड सेट किया जाता है, और बाय चांस अगर कोई यूज़र अपना सिस्किप पासवर्ड भूल जाए तो उसे किस तरीके से रिकवर कर सकता है। सिस्किप पासवर्ड को रिकवर करने के लिए हम एक टूल का यूज़ करेंगे, जिसे हम कहते हैं हायरन बूट सीडी। आप यहाँ देख सकते हैं, हायरन बूट सीडी के द्वारा करेंगे। हायरन बूट सीडी एक्चुअली हैकिंग का एक कंप्लीट पैकेज होता है। जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट मंगवाई थी, उनके पास उनकी डिस्टेंस लर्निंग किट में हायरन बूट सीडी भेज दी गई है। थोड़ा सा इस ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाने के पहले हायरन बूट सीडी का एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं। हायरन बूट सीडी पर राइट क्लिक करके देखिए, इसे ओपन करके देखिए। हायरन बूट सीडी एक्चुअली एक लाइव विंडो की तरह काम करता है। आप देखिए, यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्चर आ गया। प्रोग्राम्स में जाएंगे तो आप यहाँ एंटीवायरस और स्पाईवेयर्स वगैरह सारे होते हैं जो डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं। आपको इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इतने सारे टूल्स इसके अंदर आप एक सिंगल सीडी के अंदर होते हैं। बैकअप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं आप, टेरा कॉपी, स्नैपशॉट्स वगैरह लेना हो तो, शैडो कॉपी वगैरह करनी हो, स्कैनिंग वगैरह करना हो, आपको ब्राउज़र्स चाहिए हो तो वो भी इसके अंदर मिल जाएंगे। हैश फाइल्स वगैरह, ओपेरा यूज़ करना हो, जो भी आप यूटिलिटीज़ यूज़ करना चाहते हैं हैकिंग में, आधी से ज़्यादा यूटिलिटीज़ आपको हायरन बूट सीडी के अंदर मिल जाएगी। क्लीनर्स वगैरह चाहिए जो आपकी हिस्ट्री को क्लीन करते हैं या आपके रजिस्ट्री को सेट वगैरह करके रखते हैं। डिवाइस ड्राइवर चाहिए, एडिटर व्यूअर्स वगैरह, फाइल सिस्टम के लिए कुछ यूटिलिटीज़ चाहिए, सारी यूटिलिटीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। रिकवरी करना है कुछ फाइल्स वगैरह की, तो फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, रजिस्ट्री के लिए अवेलेबल रहते हैं। एक छोटी सी सीडी के अंदर आपको सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं। रिमोट कंट्रोलिंग के लिए सारे रिमोट, ज्वाइन मी, टीम वीवर 7, टीम वीवर टाइट VNC, स्टार्टअप के लिए, सिस्टम इन्फॉर्मेशन के लिए, टेस्टिंग वगैरह करना हो, स्कैनिंग वगैरह करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा यूज़ है कि विंडोज़ में जितने पासवर्ड्स आप डालते हैं, स्टार्टअप पासवर्ड की बात करें या लॉगिन पासवर्ड की बात करें या बूट पासवर्ड की बात करें, बायोस पासवर्ड की, सारे के सारे पासवर्ड्स आप हायरन बूट सीडी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, इन एथिकल हैकिंग के वीडियोस में जो भी आप सीखते हैं या जो भी आप देखते हैं, उसे अगर आप ट्राई करना चाहें तो खुद का लैब क्रिएट करें। डिस्टेंस लर्निंग किट में आपको सारे टूल्स और सारे नोट्स वगैरह भेजे जा चुके हैं जिन यूजर्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर की थी। अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो मेल आईडी पर milindhirkane@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और हैकिंग किट ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स बन सकते हैं। और जिन यूज़र्स ने ऑर्डर नहीं किया है, वो अगर चाहें तो आयरन बूट सीडी को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके आईओएस इमेज को। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हायरन बूट सीडी से के थ्रू सिस्की पासवर्ड को क्रैक किया जाता है। इसके पहले आपको एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको सिस्की पासवर्ड को क्रैक करना हो, हायरन बूट सीडी यूज़ करनी हो, तो आपको बायोस में जाकर आपको बूट डिवाइस की प्रायोरिटी में सबसे पहले जो बूट डिवाइस की प्रायोरिटी, उसमें सीडी और डीवीडी रोम को सेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप सिस्टम को रिस्टार्ट करें, डेल की को F12 को प्रेस करें और इंटर कर जाएंगे बायोस सेशन में, जहाँ पे बूट सेशन के अंदर आपको बूट डिवाइस प्रायोरिटी ऑप्शन आएगा। वहाँ आप बूट डिवाइस की प्रायोरिटी में सबसे पहले सीडी डीवीडी रोम को सेलेक्ट कर दें। बस इतना ही करना है, बाकी
आपको फिर अपनी जो आयरन बुट सीडी है उसे डीवीडी रोम में इंसर्ट कर देना है, और बाकी का काम डीवीडी कर लेगी, माफ़ कीजिएगा आयरन बुट सीडी कर लेगी। तो ये प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो किया जाता है, आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। दोस्तों वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया हुआ है मैं, वर्चुअल बॉक्स के अंदर यहाँ पर विंडोज़ एक्सपी रन करके रखा, विंडोज़ एक्सपी पर ही हम देखेंगे किस तरीके से सिस्की पासवर्ड सेट किया जाता है और इस सिस्की पासवर्ड को हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट में जाएंगे, रन में जाएंगे या फिर विंडो की और आर प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ आप टाइप करेंगे सिस्की, SYSKEY सिस्की, और इसे आप ओके कर देंगे। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा होगा सिक्योरिंग द विंडोज़ एक्सपी अकाउंट डेटाबेस। यहाँ पर अपडेट टैब पर आप क्लिक करेंगे, पासवर्ड स्टार्टअप जो ऊपर की तरफ होगा इसे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो भी पासवर्ड आप देना चाहें वो यहाँ पे आप उस पासवर्ड को दे सकते हैं। इसी पासवर्ड को आप कन्फर्म करेंगे और ओके कर देंगे। आप यहां देख सकते हैं सक्सेस, द अकाउंट डेटाबेस स्टार्ट की वॉज चेंज्ड, इसे ओके कर दीजिए, इसे रिस्टार्ट कीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों सिस्की पासवर्ड स्टार्टअप के पहले ही आ गया, जिसे हम स्टार्टअप पासवर्ड भी कहते हैं। यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड इंटर करना होगा तो आप सिस्टम में इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। सिस्की पासवर्ड का एक और एडवांटेज ये है कि अगर कोई क्रैकर 2 या 3 बार से ज़्यादा आपके सिस्टम पर रॉन्ग पासवर्ड इंटर करता है तो सिस्टम अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। सबसे पावरफुल ऑथेंटिकेशन माना जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसे क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले बायोस में जाकर डिवाइस जो सीडी डीवीडी रोम है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाल दीजिए। उसके बाद जो आपका आयरन बूट सीडी है उसे आप अपने डीवीडी रोम में अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर दीजिए। अभी यहाँ वर्चुअल बॉक्स में हम इसका प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से होस्ट डिवाइस एफ मतलब अपने डीवीडी रोम को पहले सेलेक्ट करूँगा यूएसबी को, और हम इसे रिस्टार्ट देते हैं। जैसे ही रिस्टार्ट देंगे डीवीडी अपना काम करना शुरू कर देगी, माफ़ कीजिएगा सीडी अपना काम करना शुरू कर देगी, हायर एंड बूट सीडी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जैसे ही हायर एंड बूट सीडी रीड करती है, सिस्टम हायर एंड बूट सीडी को रीड करता है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। इनमें एक ऑप्शन है 8 नंबर पर, आप देख सकते हैं उस ऑप्शन पर हमें जाना है। जो ऑप्शन हमें चूज़ करना है वो है ऑफलाइन एंटी 2000 XP Vista और 7 पासवर्ड चेंजर। इस ऑप्शन पर हमें पहुंचना है। तो इस ऑप्शन पर पहुंचने के बाद ये 8 नंबर का ऑप्शन है, हमें इंटर देना। इंटर करने के बाद आपके पास बूट ऑप्शन शो करेगा, तो इसके बाद आप फिर वापस इंटर की प्रेस करें ताकि सिस्टम सिस्टम को सीडी सीडी से बूट करा सकें। तो इसके लिए जस्ट हम इंटर प्रेस करते हैं। इंटर की प्रेस करने के बाद आपके सिस्टम में जितने पार्टीशन होंगे विंडोज़ के, उन पार्टीशंस को इस क्विकली स्कैन करेगी स्क्रिप्ट और आपके साथ आपके सामने सारे अवेलेबल पार्टीशंस को रख देगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर एक पार्टीशन है, कैंडिडेट विंडोज़ पार्टीशन फाउंड। तो फर्स्ट
एक पार्टीशन है तो बाय डिफ़ॉल्ट वन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में लिया है शो प्रोबेबल विंडो NTFS पार्टीशन ओनली, तो एक है तो आप इसे इंटर कर देंगे। इसके बाद अब हमें आवश्यकता होगी रजिस्ट्री फाइल को पाथ प्रोवाइड करने की, तो जैसे ही स्क्रिप्ट रन करती तो खुद बाय डिफ़ॉल्ट अपना रजिस्ट्री से के सेम फाइल का पाथ जो होता है वो फाइंड कर लेती है। अब देख सकते हैं विंडोज़ सिस्टम 32 और कॉन्फ़िग पाथ फाइंड कर लिया है, हमें जस्ट इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहां आपसे पूछेगा सेलेक्ट विच पार्ट ऑफ रजिस्ट्री टू लोड, यूज़ प्री डिफाइंड चॉइसेस। तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, यहाँ आपको पता है कि आपका प्राइमरी गोल क्या है, आपका मेन मोटो क्या है, तो आप एक्चुअली पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं सेम डायरेक्टरी से। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसलिए आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो आपने फर्स्ट इंटर किया, वन इंटर किया और इंटर कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास लोडेड हाई सेम सिस्टम सिक्योरिटी के कुछ ऑप्शंस आए हैं, तो आपके पास 1 से लेकर 9 तक के ऑप्शन हैं, जहाँ सिर्फ पहला ऑप्शन और 9 नंबर का ऑप्शन शो कर रहा है और थर्ड में क्विट है और बाकी बीच में डैश डैश दे दिया है। तो एक्चुअली बीच में जो ऑप्शंस होते हैं उनमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन होता है वो होता है सिस्की स्टेटस एंड चेंज, तो यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो कभी शो करता है कभी शो नहीं करता है। तो अगर ना करे तो आप सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड इंटर कर दें अपने आप, क्योंकि सेकंड ऑप्शन जो होता है वो होता है सिस्की का, जो हम सिस्की पासवर्ड डालते हैं उसे चेंज करने के लिए। तो हम यहाँ पे 2 इंटर कर देंगे और इंटर प्रेस किया। अब आपसे पूछेगा डू यू रियली विश टू डिसेबल द सिस्की, तो हमें सचमुच सिस्की को डिसेबल करना था इसलिए हमने सारा प्रोसीजर फॉलो किया था। तो हम यहाँ पर वाई इंटर कर देंगे, वाई मीन्स यस और एन मीन्स नो, तो हम वाई इंटर किए। फिर हमारे पास ऑप्शंस इंटर होंगे जिनमें वापस वही सारे ऑप्शंस हैं। अगर हमें और कोई पासवर्ड डिसेबल करना, जैसे हमें एडमिन पासवर्ड या यूज़र लॉगिन पासवर्ड वगैरह डिसेबल करना हो, तो हम वापस फिर सेलेक्ट कर सकते हैं यूज़र डेटा एंड द पासवर्ड और फिर बाकी के पासवर्ड को डिसेबल कर सकते हैं। अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो हम वापस क्यू पर क्लिक कर देंगे, क्यू ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे क्यू क्विट के लिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं अबाउट टू राइट फाइल्स बैक एक ऑप्शन आया आपके सामने। एक्चुअली अबाउट टू राइट फाइल्स बैक जो ऑप्शन होता है, हमें यहाँ पर वाई यानी यस टाइप करना है ताकि डिस्क के चेंज को स्क्रिप्ट राइट कर सकें। तो हम यहाँ पर वाई इंटर कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आया यू कैन ट्राई अगेन इफ़ इट सम हाउ फेल्ड आर यू सेलेक्टेड रॉन्ग रॉन्ग ऑप्शंस, तो हमें यहाँ पे एन इंटर करना है नो, क्योंकि हमने कोई कोई भी पाथ गलत तरीके से फॉलो नहीं किया हुआ। और ऐसा करने के बाद हमें अपनी जो कंप्यूटर में हमने अपने DVD रोम में जो हायर एंड बूट CD इंटर की थी उसे हम बाहर निकाल लेंगे और एल्टर कंट्रोल डेल की देखे अपने PC को रिस्टार्ट कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पर एन लिखते हैं और इंटर करते हैं। अब हम अपने हायर एंड बूट CD को कंप्यूटर से बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमें इसे रिस्टार्ट करना है, तो आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। मैं वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने एल्टर कंट्रोल डेल की इंसर्ट ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर दिया, ये रिस्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों हमसे सिस्की पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा क्योंकि वो रिमूव हो चुका है।
तो इसी तरीके से सारे जितने भी विंडोज़ में जितने भी ऑथेंटिकेशंस होते हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है। इन सारे प्रोसीजर को करने के लिए आपको टूल्स और नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे आगे प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं जिनके लिए आपको टूल्स की आवश्यकता होगी। तो जो स्टूडेंट्स डिस्टेंस लर्निंग किट के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं वो मुझे मेरी मेल आईडी milindhirkane@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। 7 से 10 दिनों के अंदर आपकी डिस्टेंस लर्निंग किट आपके पास पहुंच जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।